हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिफरेंशिएशन अवकलन। बेटा आज हम पैरामेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे पैरामेट्रिक फंक्शन होते क्या है। ध्यान दो बेटा, यहाँ एक्स और वाई क्या ही वेरिएबल ही चर है। एक्स बेटा थीटा से डिफाइन है, y भी बच्चों थीटा से डिफाइन है। तो बेटा x और y दोनों वेरिएबल एक सिंगल वेरिएबल किससे थीटा से डिफाइन है डिफाइन। तो x और y को क्या कहेंगे, पैरामेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और ये जो इक्वेशन है इन्हें कहा जाता है पैरामेट्रिक इक्वेशन। और बेटा ये जो सिंगल वेरिएबल थीटा है इसे पैरामीटर कहते हैं। ठीक, अब बेटा हमें क्वेश्चन में इसे डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है। कैसे करेंगे, x को और y को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। x को बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, ये आपका x, उसके आगे क्या लगा दिया d by d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट किया। ठीक, ये इक्वल का साइन, ये कांस्टेंट है वैसे ही लिखा। ठीक, हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, थीटा का डिफरेंशिएशन 1। ये माइनस साइन है, माइनस लगाया। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन बेटा कॉस थीटा, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। क्या आया बेटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा। अब वाई की बारी, वाई इक्वल टू ए 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इसे करो डी वाई बाय डी थीटा। ए कांस्टेंट है बाहर ही, तो 1 का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। 1 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो बेटा इसका डिफरेंशिएशन 0, माइनस की जगह माइनस, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, माइनस साइन थीटा। ये हो गया, ये डी वाई बाय डी थीटा, ये ए माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या लिखेंगे बेटा इसे साइन थीटा। ये हमें डी वाई बाय डी थीटा मिल गया, ये इक्वेशन 1 और ये आपकी 2। हमें डी वाई बाय डी एक्स चाहिए, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड 1 है ना, तो 2 ऊपर आएगी, 2 डिवाइडेड 1 है, 2 ऊपर लिख लो, तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में क्या आएगा, इक्वेशन 1, डी एक्स अपॉन डी थीटा। ठीक है, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है, ए साइन थीटा, और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ए 1 माइनस कॉस थीटा। आप ध्यान दो, डी थीटा से डी थीटा कैंसल हो गया, ए से ए भी कैंसल हो गया। तो बेटा डी वाई बाय डी एक्स क्या हुआ, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। आप इसे और भी ज्यादा सॉल्व कर सकते हो, मैं सॉल्व करके बताती हूँ। अब बेटा ये डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin theta by 2 cos theta by 2, ये फॉर्मूला होता है। और 1 minus cos theta का फॉर्मूला बेटा वो होता है 2 sin square theta by 2। आप चाहो तो यहाँ तक सॉल्यूशन लिख सकते हो, यदि क्वेश्चन प्रूफ दैट होता है और आपको आगे सॉल्व करना पड़ता है तो आगे का सॉल्यूशन भी देख लो। 2 से 2 कैंसल, साइन से 1 साइन कैंसल, क्या बचा बेटा, cos theta by 2 upon sin theta by 2। cos upon sin क्या होता है, cot होता है,
लिख दो cot थीटा बाय टू, डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा cot थीटा बाय टू। अब बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोनों पैरामेट्रिक फंक्शन है पैरामेट्रिक फंक्शन, कैसे सॉल्व करोगे? दोनों को बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, एक्स को बेटा थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा, एक्स ये रहा, उसके आगे क्या लगा दिया डी बाय डी थीटा, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो गया। इक्वल लगाओ, ए कांस्टेंट है ये लिखा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा, ठीक है आप क्या लिख सकते हैं उसको माइनस आगे लगा दो ए साइन थीटा, ये हो गया। अब किसकी बारी y की, तो y इक्वल टू है b साइन थीटा प्लस c, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं y को तो आगे क्या लगा दोगे d बाय d थीटा, ठीक y को हमने डिफरेंशिएट कर दिया। अब बेटा ये b ये लिखा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos थीटा, ये प्लस साइन है प्लस लगाया, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे c को डिफरेंशिएट करेंगे, ये बेटा कांस्टेंट है क्यों, क्योंकि बेटा यहाँ थीटा नहीं है, जहां थीटा नहीं है वह कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है जीरो, तो c का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया। क्या आया बेटा b y by d थीटा इक्वल टू बी कॉस थीटा, ये हमारी इक्वेशन टू और ये वाली बेटा इक्वेशन वन। अब क्या करोगे, इक्वेशन टू में बेटा वन को डिवाइड करो, इक्वेशन टू ऊपर लेना है तो डी वाई बाय डी थीटा अपॉन में क्या लोगे डी एक्स अपॉन डी थीटा, ठीक है इक्वल साइन लगाया, डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा और डी एक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू ये रही माइनस ए साइन थीटा, ठीक है डी थीटा से डी थीटा कैंसल, क्या बचा बेटा ये हो गया आपका डी वाई बाय डी एक्स, ये माइनस साइन है माइनस लगाया, ये b अपॉन a लिखा, cos अपॉन sin, cos थीटा अपॉन sin थीटा क्या होता है cot थीटा, सॉल्यूशन क्या हुआ माइनस b अपॉन a cot थीटा,